गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉमन सॉल्ट नोन एज सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, कहाँ मिलता है, मैक्सिमम चीज़ें तो आपको पता है, बट फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो पढ़ते हैं, कुछ नया भी देखने को मिल सकता है। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आप लैब में कॉमन सॉल्ट बनाना चाहे तो आप कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द कॉमन सॉल्ट इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज इन प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा। हाँ, कॉमन सॉल्ट आप कह सकते हैं एक तरह का वाइट पाउडर होता है जो कि खाना पकाने में स्पेशली दाल पकाने में, सब्जी पकाने में काफ़ी यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके इतना ही यूज है, इट हैज लॉट्स ऑफ मेनी अदर यूजेस बट दिस इज द मेजर यूज। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट सॉल्ट। हाँ, कॉमन सॉल्ट को जनरली हम घर पे सॉल्ट सॉल्ट कहते हैं, कोई कॉमन सॉल्ट उसको नहीं कहता। द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलता है हमें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो या फिर वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन हो। सो सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन कराने पे जो सॉल्ट मिलता है दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा वहाँ से, सोडियम क्लोराइड, जस्ट बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन से डिस्प्लेस करेगा और खुद क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म वाटर। क्लियर है? तो आइए, अब हम आपको बता दें आपको लिखना क्या है। पहला आप हेडिंग डाल के यहाँ से यस यहाँ तक लिख लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप इस रिएक्शन को लिखेंगे। रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चले देखिए, द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हियर कैन बी इवापोरेटेड टू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अभी जो आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, आप ध्यान से देखिए तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्वस। एक्वस किसे कहते हैं, यस दोज टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वाटर इज प्रेजेंट। वाटर में वो सोल्यूबल, यानी कि वहाँ पे वाटर के अंदर आपको सॉल्ट मिलेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ अगर सॉल्ट चाहिए, ड्राई सॉल्ट जैसा कि मुझे घर पे मिलता है, तो कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल सा है, हमने 9th में मेथड पढ़ा था ना फिल्ट्रेशन वगैरह, तो वहाँ हमने सीखा था इवापोरेशन। अब क्या करिए, आप इसको हीट करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे वाटर क्या होगा, स्टीम बन के उड़ जाएगा, यानी कि एटमोसफेयर में मिक्स हो जाएगा और आपके कंटेनर में सिर्फ क्या बचेगा, हाँ दैट विल बी सोडियम क्लोराइड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन सॉल्ट आपके कंटेनर में बच जाएगा। आगे दिया है, द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हियर कैन बी इवापोरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। फिर हम इवापोरेशन करके ये जो एक्वस सोडियम क्लोराइड है, यहाँ से हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड को निकाल सकते हैं। बट सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट इज नेवर मेड इन दिस वे ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन ये तरीका लैब में आप कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी सॉल्ट की कंपनी है, खुद की आपकी सॉल्ट की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे आप ये तरीका यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये तरीका एक्सपेंसिव होता है, इसमें खर्च ज़्यादा आ जाएगी। दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन नेचर इन अबंडेंस। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें नीचे दिया हुआ है, दिस इज डिस्कस्ड बिलो, अब हम वहाँ से पढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेंड। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, कॉमन सॉल्ट हमें कैसे मिलता है। आइए रिसर्च करते हैं, हेडिंग डाल दिया आपने। देखिए, कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड ऑकर्स नेचुरली इन सी वाटर एज ए रॉक सॉल्ट।
हाँ, समुद्र के अंदर बहुत सारे रॉक्स हैं जो कि सॉल्टी होते हैं नेचर में, ठीक है। तो हमें नेचर से मिल जाते हैं सॉल्ट, वो भी दो तरीके से। एक तो रॉक सॉल्ट से मिल जाता है, कई बार हमें ऐसे बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं जो कि किसके होते हैं, सॉल्ट के होते हैं। कई बार क्या, जनरली हमें जितने भी सी वाटर हैं सब सैलिन होते हैं नेचर में, यानी कि खारा लगते हैं, उसके अंदर भी सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है। सो कॉमन सॉल्ट ऑकर्स इन डिजॉल्व फॉर्म इन सी वाटर। तो कॉमन सॉल्ट हमें समुद्र के अंदर पानी में घुला हुआ मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड, कॉमन सॉल्ट अकर्स इन सॉलिड फॉर्म एज रॉक सॉल्ट। जबकि अगर हम दूसरी ओर बात करें तो हमें सॉलिड फॉर्म में रॉक सॉल्ट भी मिल सकता है, यानी कि बड़े बड़े चट्टान मिल जाते हैं, वो भी किसके, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट के। तो आइए दोनों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और आप इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, सी वाटर कंटेन्स मेनी डिजॉल्व सॉल्ट इन इट। हाँ, सी वाटर के अंदर सिर्फ कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता, उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट और भी सॉल्ट्स मिल जाती हैं। द मेजर सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर इज कॉमन सॉल्ट। लेकिन अब अगर हम ये बात करें कि उनमें जो सॉल्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट कौन से मिलती है, देन दैट इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अब हमें कॉमन सॉल्ट मिलता कैसे है, ये हमें सी वाटर से इवापोरेशन मेथड से मिलता है। यानी हम क्या करते हैं, वहाँ से वाटर कलेक्ट करते हैं, बाहर ला कर उसको इवापोरेट करते हैं, वाटर स्टीम बन के उड़ जाता है और हमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। दिस इज डन एज फॉलो, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज सैलो पूल्स एंड अलाउड टू स्टैंड देयर। अब हम क्या करते हैं, सी वाटर को उसके मतलब जो सी का शोर होता है ना किनारा, उसके आसपास बहुत सारा पूल बना लेते हैं, गड्ढे कर लेते हैं, ताकि जब वहाँ से लहरें तेज हों तो पानी बाहर आए और वो उसी पूल में रुक जाए पानी। बाद में क्या होगा, क्योंकि वो पानी का अमाउंट कम है तो इवापोरेशन की वजह से पानी स्टीम बन जाएगा और हमें सोडियम क्लोराइड वहाँ से मिल सकता है। द सन्स हीट इवापोरेट्स द वाटर स्लोली एंड द कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। फिर धीरे धीरे, क्योंकि जो आपने गड्ढे बनाए थे वो गड्ढे छोटे थे, पानी कम था, इसलिए धीरे धीरे वो पानी इवापोरेट हो जाएगा और आपको वहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। दिस कॉमन सॉल्ट इज इम्प्योर बिकॉज इट हैज सम अदर सॉल्ट मिक्स इन इट। लेकिन ये जो कॉमन सॉल्ट आपको मिलेगा वो प्योर कॉमन सॉल्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर और भी सॉल्ट मिक्स होते हैं। इट इज़ प्योरीफाइड टू ऑब्टेन प्योर कॉमन सॉल्ट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपनी में ले जाकर प्योरीफाई करते हैं और प्योर कॉमन सॉल्ट को अलग कर लेते हैं। द ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाई इंडस्ट्री कम फ्रॉम सी वाटर। अब मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट है जो कि इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो वो कहाँ से हमें मिलता है, दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे, दैट इज कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। हाँ, हमारे ज़मीन के अंदर बहुत बड़े बड़े क्या हैं, रॉक्स हैं, वहाँ पे हमें मिलता है रॉक सॉल्ट्स। देखिए कैसे, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग कई हिस्सों में हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स मिलते हैं, किसके, कॉमन सॉल्ट के। द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट्स। जब हमें ये सोडियम क्लोराइड के टुकड़े काफ़ी बड़े बड़े साइज में मिलते हैं तो उन्हीं टुकड़ों को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट इज यूजली ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन इट। अगर आप रॉक सॉल्ट के कलर की बात करें तो वो किस कलर में मिलता है आपको, इम्प्यूरिटीज होने की वजह से वो कलर कैसा रहता है, ब्राउन कलर का। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल। जैसे हम कोयला निकालने के लिए खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, इन द सेम वे फॉर गेटिंग रॉक सॉल्ट वी ऑल्सो यूज टू डिग द सॉयल। द रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट टूडे फ्रॉम द अर्थ वॉज फॉर्म्ड वेन द एंशियंट इज ड्राइड अप बाई इवापोरेशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ये रॉक सॉल्ट हमें मिला कहाँ से, ये अंदर कैसे पहुँचा, इसका सिंपल सा आंसर है,
हजारों साल पहले जब वाटर सोर्स ज़्यादा थे तो कई बार ज़्यादा गर्मी होने की वजह से समुद्र या छोटे छोटे जो पूल होते थे जहाँ पे सी वाटर इकट्ठा हो गया होता वो सूख जाते थे। जब वो सूखते थे तो वाटर तो स्टीम बन गया, लेकिन जो उसके अंदर सॉल्ट होते थे वो क्या होते थे, वहीं पे इकट्ठा हो जाते थे। धीरे धीरे ऐसे करते करते कई बार अर्थक्वेक आए, कई बार सुनामी आए, और इन सब नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो नीचे दब जाते हैं। और नीचे दबने के बाद हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर की वजह से वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और माइनिंग के टाइम पे हमें वो देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट। एक्चुअली वो रॉक सॉल्ट भी हमें कहाँ से मिला है, सी वाटर से। बस हमें वो डायरेक्ट सी वाटर से नहीं मिला, यानी कि वो पहले से ही इवापोरेट हो चुका था, इसलिए हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक कर सकते हैं। तो चलिए आप ये कर लीजिएगा, ये देखिए आपके बुक में आपको ये डायग्राम ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो पूल बनाया गया है ये ऐसे डिजाइन किया गया है, इसमें गड्ढे होते हैं, जब यहाँ से पानी इस गड्ढे में आता है तो उस गड्ढे में रुक जाते हैं पानी, फिर क्योंकि उस गड्ढे में पानी की अमाउंट कम होती है तो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता है, और वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यस देयर वी गेट सोडियम क्लोराइड इन द सॉलिड फॉर्म। ये हमारा रॉक सॉल्ट जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग से। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के क्या यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ ध्यान रहे आप ये नहीं लिखेंगे, कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप लिखने लगते हैं इन द कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, इन द कुकिंग ऑफ पर्ल्स, इन द कुकिंग ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि आप ढेर सारे सामान की कुकिंग में ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, कुकिंग टर्म आपने एक बार यूज कर लिया तब आप दूसरी उसकी यूज बताएंगे। ये नहीं कि अब मेरे पास 10 डिश के नाम पता है, 10ों में सॉल्ट यूज होता है तो 10ों का नाम लिख देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। देखिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट आर गिवन बिलो। फर्स्ट, कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। इंडस्ट्रीज में हमें ये सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ये सब केमिकल्स मेटल्स को पाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड का यूज करना पड़ता है, क्लियर है। तो चलिए ये तो रहा फर्स्ट। सेकेंड, कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज इन कुकिंग फूड, इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ द फूड, फ्लेवर मीन्स टेस्ट। सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। आपको इतना बायोलॉजी में सिखाई गया होगा कि बॉडी को डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने के लिए सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। थर्ड, कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स। अभी प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आर दोज केमिकल्स और दोज फूड आइटम्स विच आर यूज टू कीप द अनदर ऑयली फूड आइटम्स सेफ फॉर अ लॉन्गर टाइम। जैसे अचार हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जिनको हम लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम कुछ और केमिकल्स का यूज करते हैं, और उन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जिसमें कि कॉमन सॉल्ट हो गया, ऑयल होते हैं, ऐसे शुगर होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो कॉमन सॉल्ट का एक यूज ये भी है कि अचार या फिर मीट और फिश को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, इस केस के लिए हम कॉमन सॉल्ट का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। नेक्स्ट वन इज, कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। हाँ, अब जैसे बर्फीली इलाकों में आप चले जाएँ तो वहाँ पे जैसे ठंडी बढ़ती है वहाँ पे पूरी रोड पे बर्फ की चादर बिछ जाती है,
यानी कि बर्फबारी होती है और बर्फ से रोड ढक जाता है, तो उस केस में रोड को वापस से स्टार्ट करने के लिए यानी कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल सके हमें बर्फ़ को हटाना होता है। हम क्या करते हैं वहाँ पे कॉमन सॉल्ट को ले आकर छिड़क देते हैं, इससे क्या होगी मेल्टिंग फास्ट हो जाती है और आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाता है और वो साइड हो जाता है, इस तरह से रोड की क्लीनिंग जल्दी हो जाती है। तो वहाँ पे भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। टिल दैट थैंक यू सो मच।